हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स। इसके हम वीडियो लेक्चर नंबर फोर्थ में आ गए। हम चैप्टर वन कर रहे हैं, उसके एक्सरसाइज 1.3 में आ गए। तो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन में हम आ गए। हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 84 को हम किससे डिवाइड करें, यानी यहाँ पर हम पूछ रहे हैं किससे डिवाइड करें कि आंसर क्या आ जाए, 12 आ जाए, कि आप 84 को किससे डिवाइड करो कि आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 84 को इस 12 से डिवाइड कर देना आप। तो 12 से आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, 12 की टेबल आपको याद होगी तो कितनी बार में आएगा, 12 7 जा कितना होता है, 84, तो 7 बार में आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7। तो 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। आप चेक करके देख लो, 84 को अगर आप 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, फिर 1 आ जाएगा 4, 7 2 जा 14, तो ये आ गया। 7 से करेंगे तब 12 आएगा। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि हम किसी नंबर को किससे डिवाइड करें, जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि हम किसी नंबर को किससे डिवाइड करें, तो इन दोनों इसको आप इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है, उसमें बोला है 108 को हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस के 18 से, और पूछा है कि क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल ईजी है, आप माइनस के 18 को भूल जाओ, आप तो 108 को किससे डिवाइड कर दो, 18 से, और आप किसको भूल जाओ, 108 को माइनस को भूल जाओ, माइनस तो हम बाद में लगा देंगे। तो जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हम टेबल बनाएंगे, तो 18 सिक्स हम चेक करेंगे, 8 सिक्स 48 का 8, 4 सिक्स 1 जा 6, 6 और 4 10, तो कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में कितना आ रहा है, 108। तो इसका मतलब है इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 6, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किसको कंप्लीट कर दिया, ए को भी कंप्लीट कर दिया, और बी वाले क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी इजी है, देखो क्या है, -999 है, इसको आप किससे डिवाइड करोगे कि क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो आपको पता है कि किसी को भी डिवाइड करने पे 1 आंसर कब आता है, आप पहले ये बताओ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 18 है, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ कि 1 आएगा, तो 18 को 18 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब 18 वन जा क्या आएगा, 18। तो जब हम उस नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तभी आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये -999 को भी हमें किससे करना पड़ेगा, 999 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब 999 को किससे डिवाइड करोगे, 999 से, तो 1 बार में कितना आ जाएगा, 999, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। फिर ये माइनस का, इसलिए क्या साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 999 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर हम डी वाले क्वेश्चन में आ गए, माइनस का 15 है, इसको आप 0 से इंटू करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहे हैं, और 0 को किससे इंटू करोगे, माइनस के 15 से। तो आप बोली माइनस के 15 को 0 से करो, या 0 को माइनस 15 से करो, तो 0 को किसी से भी इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को इंटू करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। अब वो बोली माइनस का हो तो भी 0 आएगा, आप माइनस का 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए आंसर सिंपल क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइनस के 16 है, उसको हमें माइनस करना है 0 से, तो क्या आंसर आएगा।
माइनस का 16 माइनस 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 16 को 0 से प्लस करेंगे तो 16 ही आएगा। किसी को भी 0 से इंटू करते हैं तब 0 आता है, लेकिन प्लस माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है। अगर मैं 16 को 0 से इंटू करूँगा तब तो 0 आएगा, लेकिन 16 को 0 से माइनस करूँगा तो 16 ही आएगा, या 16 को 0 से प्लस करूँगा तो भी क्या आएगा 16 ही आएगा। तो 16 आएगा लेकिन दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा माइनस का 16, तो ये आंसर आएगा। लेकिन इन्होंने आंसर क्या लिख रखा है 0, तो इसका मतलब है ये गलत है, तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, तो हम जब भी अगर 0 को किससे डिवाइड करते हैं, किसी से भी डिवाइड करें, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसलिए ये सेकंड वाला आंसर क्या है ट्रू है, क्योंकि आप 0 को 5 से डिवाइड करो तो 5 की टेबल 0 बार बोलोगे तभी क्या आएगा 0 आएगा, तो इसीलिए 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। सी वाले क्वेश्चन को चेक करना है, माइनस के 8 है उसको डिवाइड करना है माइनस के 2 से, तो पहले तो माइनस माइनस भूल जाओ, 8 को किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो 4 बार में 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए प्लस का 4 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर भी क्या है प्लस का 4 है, इसका मतलब ये वाला भी क्या है ट्रू है। अब उसके बाद हम लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट वाला हम चेक करेंगे, सब में हमें चेक करके क्या बताना है आंसर बताना है, तो लास्ट वाला हम चेक करेंगे। लास्ट में क्या है, माइनस के 1 को डिवाइड करना है किससे, माइनस के 1 से, तो माइनस तो भूल जाओ, पहले तो 1 को 1 से करो, और किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर आता है, 1 की टेबल 1 बार बोलेंगे तभी क्या आएगा, तो किसी भी सेम नंबर को अगर मैं बोलूँ 2 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर बोल देना 1, 3 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर बोल देना 1, क्यों, क्योंकि अगर उसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है वही नंबर आता है, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। अब लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 आएगा, लेकिन इन्होंने क्या बता रखा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बता रखा है, तो इसका मतलब है ये क्या है गलत है, तो इसीलिए ये सेकेंड वाला तो ट्रू था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह हमने ट्रू फॉल्स को क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 में इजीली डिवाइड दे रखा है आपको, तो सबसे पहला डिवाइड 125 को किससे डिवाइड करना है 5 से, माइनस प्लस तो भूल जाओ पहले तो डिवाइड करो, 5 टू जा 10, माइनस किया तो 2 आ गया 5 आ गया, 5 5 जा 25 माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आंसर आया 25, अब एक प्लस का है ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आंसर क्या ये क्या लगा दो माइनस, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड 410 है इसको किससे डिवाइड करना 5 से, तो 5 8 जा 40 1 आ जाएगा कैंसिल 0, 5 2 जा 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 82। अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 82 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सी वाला, अब हमें क्या करना है 0 को डिवाइड करना है किससे करना है 51 से, और मैंने बताया था किसी को भी 0 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है 51 की टेबल 0 बार बोलेंगे तभी क्या आएगा 0, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, और कभी भी 0 में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाते, जैसे प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 0 नहीं लिखोगे आप 0 ही लिखोगे, क्योंकि 0 कभी भी क्या नहीं होता पॉजिटिव नहीं होता और ना ही क्या होता है नेगेटिव होता है 0 तो 0 होता है बस। उसके बाद हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर डी में, डी में क्या बोल रहे हैं कि 729 को हमें डिवाइड करना है किससे 27 से, तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे 27 2 बार में आएगा 54, क्योंकि 3 बार में आप टेबल बना लेना आपको तो आता है सब, 81 आएगा इसलिए 2 बार में 54, यहाँ से कैरिंग लेंगे 12 में से 4 गया तो 8, फिर यहाँ 6 रह जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 और 189। अब 27
को सेवन बार में देखो, सेवन सेवन जा 49 का 4, सेवन टू जा 14 और 4 18, तो सेवन बार में कितना आ गया 189, ये हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया इसका 27, दोनों प्लस के हैं इसलिए आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 27। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 950, यानी दो इंटीजर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज कितना दे रखा है 950, उनमें से एक इंटीजर यानी वन इंटीजर, दोनों में से एक इंटीजर क्या दे रखा है माइनस का 19, हमें क्या फाइंड करना है अदर इंटीजर, अदर इंटीजर का मतलब दूसरा इंटीजर फाइंड करना। अब जैसे मैंने बोला आपको कि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई, कोई भी दो इंटीजर है उसका मल्टीप्लाई 20 है, और मैंने बोला उनमें से एक 5 है तो आप दूसरा बताओ, तो आप बोलोगे सर 4 है क्योंकि 5 4 जा 20, तो ये 4 आंसर आया कैसे, इस 20 को हमें किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा क्या होता है 20, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी 950 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के 19 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 950 को किससे डिवाइड कर दो 19 से, माइनस बाद में लगा देंगे, तो 19 5 जा क्या होता है आपको पता है 95, माइनस करेंगे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ज़ीरो बच गया, तो ये ज़ीरो यहाँ उतर जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 5050, अब प्लस माइनस है तो यह माइनस का 50 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया, तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 को भी क्या कर दिया पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज 1.4 बस रह गया, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और हम सेकेंड चैप्टर में आ जाएंगे। तो अब आज का आपका होमवर्क है कि इन चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना है बिना देखे करना है, पहले वीडियो देख के आप समझना उसके बाद बिना देखे करना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको सॉल्व करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।